दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। इसे बनारस के लंका पे हैं और यहाँ पे कांग्रेस के यूथ नेता हैं और युवा हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद जश्न मना रहे हैं, और देखिए किस तरीके से ये लोग जश्न मना रहे हैं, और तमाम ये यहाँ पे छात्र हैं। और जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी सदस्यता बहाली नहीं होगी, जैसे ही सदस्यता बहाली हुआ है उसके बाद से सारे लोग जश्न में डूबे हुए हैं। जिस तरीके से देखिए कि एक एक छात्रों से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से बहाली हुआ है। अरे कहने की बात क्या है, देख लिए हमारे नेता फिर से संसद में गए हैं, फिर से सवाल पूछेंगे नरेंद्र मोदी योद्धा, फिर से नरेंद्र मोदी चुप रहेंगे, सवाल का जवाब नहीं देंगे। इनके खुद के सांसद मनोज तिवारी जी को नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आई है, राहुल गांधी जी को पूरी बरी की जाती है, और मनोज तिवारी जी मीडिया के सामने कहते हैं कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे हैं। आप दिखाइए कहीं माफ़ी का वीडियो जहां राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे हो। हमारे नेता किसी डरते नहीं है और किसी के सामने झुकने वाले नहीं है। भारत जोड़ने की बात करते हैं, युवाओं छात्रों और रोजगारों की बात करते हैं, और आगे की बात करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव भी है, क्या कुछ अब जोश भरेंगे राहुल गांधी? लोकसभा चुनाव देख लिए, तमाम जनता यहाँ जितने लोग हैं सब लोग हम लोग को देख के जा रहे हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी को बधाई दी जा रही है। और राहुल गांधी जी फिर से भारत जोड़ो यात्रा करेंगे, वो बनारस होकर जाएगी, बनारस पूरा जगमगाएगा, राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतरेगा, और देखेगा यात्री कितने रहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। और यही यात्रा नरेंद्र मोदी जी को जवाब देगी कि बनारस का हर एक युवा जाग चुका है, बनारस का हर एक किसान जाग चुका है, बनारस का हर एक मजदूर जाग चुका है। जिस तरीके से देखिए किस तरीके से इनके अंदर जोश है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे जश्न मना रहे हैं? भ्रष्टाचार पे हम ये कहेंगे कि सरकार से लगातार सवाल पूछा जाएगा, बिना डरे सवाल पूछा जाएगा। मणिपुर से लेकर बेरोजगारी तक, महंगाई से लेकर के महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, हर जगह सरकार से जो है सवाल हम लोग पूछते रहेंगे। और हमारे नेता ने जिस प्रकार, याद होगा संसद में बहस चल रहा था और अडानी के साथ एक फोटो उनके दिखाया गया था, उसके बाद यह सब मामला शुरू होता है। मोदी सदन में जब जाएंगे राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री को कैसा झटका लगेगा? आई थिंक 10-15 बोतल कम से कम पानी का बोतल अपने टेबल पर वो रख ले, क्योंकि पानी पी कर भी जवाब नहीं दे पाएंगे मोदी जी, इतना भयंकर सवाल पूछा जाएगा। और भी लोग हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार हुई है? क्या कहेंगे भाई? अरे जिस तरह से ये जो सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला जो आया है वो देश में जनादेश लोगों के बीच में ये चला गया है कि अब फिर से राहुल गांधी संसद में आएंगे और फिर से गरजेंगे, फिर से दबे कुचले की आवाज़ संसद में एक बार फिर उठाई जाएगी। और इन जो संघियों का जो मनोबल आ गया था कि अब संसद में हमसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, इनकी इनका जो मनोबल था धराशायी हो गए हैं। इनको जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी राजीव जी ने कहा कि इनको पानी की बोतल लेके जाना पड़ेगा, तो हम तो कहते हैं 20 लीटर गैलन भी लेके जाएंगे तो अब इनका कम पड़ेगा। अब इनका जो गला है वो लगातार सूखने वाला है, क्योंकि जिस तरह की नीति ये देश में ला रहे हैं, जिस तरह का कार्यशैली इनका रहा है, चाहे मणिपुर पे देख लीजिए, चाहे तमाम चीज़ों पे देख लीजिए, जिस तरह को ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अब इनको जवाब नहीं इनके मुंह में, चाहे अडानी अपने मित्र के बारे में जवाब दे ले, चाहे मणिपुर बात करें। क्या लगता है कि सवालों के बौछार करेंगे राहुल गांधी? बिल्कुल करेंगे। जितने दिन, जब तक राहुल गांधी इतने दिन संसद में नहीं थे, जिस तरह की कुरीतियाँ हुई है अभी देश में, उन सारे प्रश्नों को एक एक करके ये उठाएंगे। ये हमेशा से जनता के लिए लड़ते रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ते रही है, राहुल जी लड़ते रहे हैं, तो ये अब लड़ाई आगामी फिर से जारी होगी। और ये एक हर्ष उल्लास का समय है अभी हमारे लिए, क्योंकि हम गरीब तबके के लोग, जो हमारे जितने भी दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ फिर से एक बार संसद में उठा। क्या कहेंगे जिस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, इस देश का लाडला बेटा राहुल गांधी जी जो कि संसद में वापस लौट आए हैं, मैं तो मोदी जी से यही कहूँगा कि मोदी जी आपको 20 लीटर का जो टैंकर आता है वो भी कम पड़ जाएगा, इसलिए ट्रैक्टर वाला टैंकर मंगाइए। और जो हमारे जो देश के लाडले बेटे हैं राहुल गांधी जी, इतने सवाल दागेंगे कि मोदी जी पानी का नाम पानी पीते पीते भी नहीं जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे यूथ हैं और जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पानी रख लें 20-25 लीटर, क्योंकि सवालों का बौछार करेंगे राहुल गांधी। देखिए ना, दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी का जब एंट्री होगी सदन में तो क्या कुछ माहौल रहेगा। तो बनारस के जो युवा हैं, जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं, तमाम तरह के आज यहाँ पे जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दे रहे हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।